क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन हम लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिटी आपको बता दी है कि फोर्थ वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। टोटल आपने फोर आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक बार से मैं फिर से लिख देता हूं बच्चों, बहुत छोटा छोटा यहां पे लिखता हूं आपके रिवीजन के लिए। हमने पढ़ा था सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सभी बच्चों को याद होगा। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी बच्चों हमने पढ़ी थी क्या, ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ आइडेंटिटी बच्चों जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक्स प्लस ए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग एडजस्ट करिएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट में आता था प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो ये फोर आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई थी। देखिए बच्चों, यहां पर आपकी एनसीईआरटी में तो बता रहा है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना, आपको बता दिया है कि हाँ भाई फोर्थ वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लो, लेकिन एग्जाम में आपको खुद से पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी आप कब यूज करोगे, ये मैं आपको शुरू से सिखाता चला आ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारी लगेगी आइडेंटिटी नंबर फोर्थ। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है फोर्थ आइडेंटिटी, सभी बच्चों को पता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, करेक्ट। अब ध्यान देंगे बच्चों इसमें, देखिए इस आइडेंटिटी की खासियत क्या है पता है, इसमें जो ये बाइनोमियल है ये भी बाइनोमियल है, इसमें टू टर्म्स है, इसमें टू टर्म्स है। तो फर्स्ट वाला जो बाइनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म जो होता है और सेकंड वाला जो बाइनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म मैच करना चाहिए। यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, जरूरी नहीं कि एक्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो क्वांटिटी यहां पर वही क्वांटिटी यहां पर, क्या यहां पर भी ऐसा है, यस सर, एक्स यहां है एक्स यहां है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड टर्म होता है वो यहां पर ए होता है यहां पर बी, यानी कि सेकंड टर्म मैच नहीं करता है, ठीक है ना, सेकंड टर्म मैच नहीं करता है, सेकंड टर्म अलग अलग होता है, यहां पर ए यहां पर बी है, वही चीज है, यहां पर थ्री यहां पे सेवन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन, यहां पर हम इसको ऊपर वाली आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, ए की जगह थ्री है और बी की जगह क्या है, सेवन है, करेक्ट, और एक्स की जगह तो एक्स है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सो एक्स की जगह तो एक्स है, एक्स की जगह एक्स रहेगा, तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक, तो ए की जगह आपने क्या रखना है, थ्री, ओके, सो थ्री प्लस, और बी की जगह क्या रखना है, सेवन, करेक्ट, इंटू एक्स तो एक्स है ना, और प्लस ए इंटू बी, सो ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू सेवन, यानी कि थ्री इंटू सेवन, ये लीजिए, हो गया सवाल, क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। सो यहां से आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, और थ्री प्लस सेवन कितना होता है, टेन, थ्री प्लस सेवन टेन, और टेन इंटू एक्स टेन एक्स, सो टेन इंटू एक्स टेन एक्स, और थ्री सेवन का कितना होता है, ट्वेंटी वन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन, प्लीज नोट कर लीजिए।